दिलीप काचा है और जब भी से ये स्टोरी लिखना चालू हुआ तभी से पिक्चर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ पे जरूरत पड़ी मैंने मेरा अभिप्राय दिया है और आज ये पिक्चर मनोज भाई की मेहनत और पूरी टीम वर्क से बहुत अच्छी बनी है लेकिन बजट बड़ा नहीं है लेकिन जितना बजट में पिक्चर बनी है उससे 100 गुना उसको रिस्पॉन्स मिला है मतलब बल्ले बल्ले पिक्चर एकदम बल्ले बल्ले हो गई है। ये जो पिक्चर जो स्टोरी पे बनी है जो 2 बजे का शो सुबह का शो में जो लोग पिक्चर देख के निकले हैं उसका जो रिव्यू मिला है कि पिक्चर लड़कियों को हिम्मत देती है कोई भी सामना करने का जोश देती है और लड़कियों को कुछ नया सिखाती है कि समाज में अगर आगे जीना है तो कैसे जिएंगे। लड़कियों को अपने बलबूते पे जीना पड़ेगा कोई उसको हेल्प नहीं करेगा खुद अपनी हेल्प उसको खुद को करनी पड़ेगी। मतलब ये बताती है नारी आज अबला नहीं है। हाँ नारी आज अबला नहीं है और सबके साथ मिलकर सबसे आगे निकल रही है। चलिए विश्व जज का रोल कर रहा हूँ और बात ये होती है कि 90% लोग जिनके ऊपर आरोप लगता है कि लड़कियों को परेशान किया या रेप किया या उनको छेड़छाड़ की है या मीटू वाला चक्कर है वो कोर्ट में से छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होते पुलिस सबूत पेश नहीं कर सकती। ऐसी हालत में कभी कभी हमने देखा है कि लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं या तो कुछ बोलती नहीं है उनके शादी होने के बाद भी उनको परेशान करते हैं लोग उनके पीछे वाली जो ज़िंदगी है वो आके उनको परेशान करती है। ऐसे हालात में क्या किया जाए तो एक थॉट मनोज भाई को आया वो थॉट को डेवलप किया सब दोस्तों की है सब ने मिलकर जैसे कि बात अच्छी है चलो बनाते हैं बनाई और एंड में जजमेंट जो आता है तो आप फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या जजमेंट है। लड़की अगर अपने आप सीख जाएगी तो कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। थैंक यू फ्रेंड ऑफ माइंड लास्ट मेनी इयर्स तो मैं सबसे पहले जीत जी और मनोज जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ मनोज जीत भाई कि इसी तरह से आप आगे हमें भी करो और आप भी तो है तो और मीडिया को और सतीश जी को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि पहली बार मेरे को गेस्ट एपीरियंस रोल मिला इसमें बेटियों की बल्ले बल्ले इसी ऑल द बेस्ट मनोज भाई एंड पूरी टीम थैंक यू। सॉरी हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मनोज जी ने पहले बोला था कि भाई राजू भाई छोटा सा काम है आप आओ आओ मैं बोला ये क्या है एक दिन मेरे साथ में चलो बोलो गुजरात ऐसा करके यहाँ से लगे गए बाद में पता चला कि इतना अच्छा काम मेरे को दिया है लेकिन उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज जी थैंक यू। मनोज उड़ान पंखों से नहीं हौसले से होती है जीत लश्कर से नहीं जिगर से होती है ये पहली बात। दूसरी बात बता दिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म शैल नॉट बी एक्सेप्टेड दैट्स ऑल थैंक यू। कुछ उल्टे फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाले हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय को लेकर फिल्म को लेकर उल्टे फिल्म ये कैसी किस टाइप की फिल्म है और किस बैनर तले बन रही है स्टार कास्ट क्या यही रिपीट होंगे या और कोई स्टार कास्ट होगा थोड़ी सी जानकारी दें जी। जी पहली बात तो मेरे प्रोड्यूसर हेमंगेदी जी और जीत कुमार जी यहाँ मेरे साथ खड़े हैं उन प्रोड्यूसर रियल सर होते हैं फिल्म के और मेरे जीत भाई काफ़ी पॉपुलर एक्टर आप सब जानते हैं नौ भाषा में काम किया तो ही इज़ इन द लीड और काफ़ी आपके देखे हुए बॉलीवुड के काफ़ी नॉन फेसिस इसमें है। उल्टे फिल्म का मतलब ये कि ये जो कैरेक्टर है उसको हमेशा रोका जाता है अभी 100 लोग ये बोलते तो तू ये बोलता गलत है तो मेजोरिटी वर्सेस इसके थॉट्स तो इसको दुनिया उल्टे बोलती है और इसका नाम भी है उत्तम राव लक्ष्मण राव तेंदुलकर। ये फिल्म हम लोग की अभी अंडर प्रोडक्शन है और अगस्त में हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं फिल्म को और अभी तक जैसे योगेश लाखानी जी ने हमको सहयोग दिया तो वी आर प्लानिंग फॉर मोर देन 1000 स्क्रीन्स और अगस्त में आप देखेंगे उल्टे को। योगेश जी आइए खड़े दीजिए प्लीज़ सर योगेश जी आप थोड़ी सी कहानी भी रोशनी डाले मनोज जी किस प्रकार की उल्टे अगर बात करें कहानी किस प्रकार की फिल्म होती है। सर ये एक सटायर है फिल्म में कि जो
छोटे से देहात की कहानी है और उस देहात में जो बंदा है उसको बोलते हैं तो भगवान को पूजा कर या गॉड को मान, तो बोलता नहीं मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन अब्दुल कलाम को पूजा करूंगा क्योंकि मैंने उनको देखा, उनकी चीज़ आज भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर जो समाज के रिचुअल्स डिफरेंट डिफरेंट है उसको लेकर उसके हमेशा वो उसकी एक सोच है, वो पूछता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँ, बोले चार लोग ने बोला है तो ऐसा करो, तो बोलते चार लोग कौन है, बचपन से उनको ढूंढ रहा हूँ, सुन रहा हूँ चार लोग क्या कहेंगे। फिर फिल्म में एक ट्विस्ट आता है जो वोटिंग को लेकर होता है, मतदान को लेकर और चुनाव को लेकर, वो बंदा जो उल्टा है वो इतना उल्टा फंसता है और फंसते जाता है और फिर आपको पूरा रंपस एंटरटेनमेंट इन हाँ वन लाइनर पंचीस है और सटायर फिल्म है। नहीं राजनीति पे नहीं, मतदारों के आधारित है, वोटर। मैं पहली बार मैं लीडर्स को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आर द पावर ऑफ वोटर्स, व्हाट ही कैन डू इफ, अगर वोटर अगर सोचता है सही से तो क्या कर सकता है। तो वोटर के ऊपर पहली बार हमने, और इसमें एक वन लाइन मैसेज भी है, कन्यादान करो, अन्नदान करो, लेकिन उससे पहले मतदान करो, क्योंकि 5 साल तक आपका अन्नदान यही लोग देखते हैं। तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी मूवमेंट्स हमने कवर की है फिल्म में। जी भाई, आपका ओपिनियन इस पे क्या है? मैंने काफ़ी फिल्में की है अलग अलग भाषाओं में, लेकिन ये जब स्क्रिप्ट सुना तो एक्चुअली मनोज भाई और जीत भाई इन लोगों ने सडनली मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे, तो इनका फ़ोन आया रात को, तो मैं बोला अभी मिलते हैं, तो मिला। तो मैं एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम वेरी नर्वस, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर एंड ये कैरेक्टर इतना ब्यूटीफुल है कि आई होप आई कैन डू इट सो गुड, यू नो वो, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू दिस फिल्म। मैम कुछ कहना चाहेंगे आपको? उल्टे फिल्म के बारे में ये एक थॉट से शुरू हुई, जैसे कि मैं और जीत कुमार एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे तो एक थॉट से शुरू हुआ कि सॉरी वन सेकंड, ये थॉट इनका था, वन लाइनर स्टोरी मेरी नहीं है, ये दोनों ने एक थॉट लाई थी और उस पे से कहानी बनी है, सॉरी मैम। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और वो थॉट यू नो फिर मनोज जी के साथ डिस्कस हुआ और फिर ऐसे ऐसे पूरी स्टोरी बिल्टअप होती गई। तो आप जब उल्टे देखेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे ये बहुत अलग फिल्म है, लेकिन ये बहुत एंटरटेनिंग फिल्म ज़रूर होगी। इसमें मसाला होगा, कॉमेडी होगी, थ्रिल होगी, ड्रामा होगा, आते वक्त लोग हंसते आएंगे और जाते वक्त और हंसते जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। सर आप क्या कहना चाहोगे, उल्टे लोग सीधा चलते हैं, आप उल्टे चल रहे हो क्या? नहीं अभी सीधा तो चल रही है, अभी थोड़ा सा उल्टा चलेंगे और लोगों को उल्टा चलना ही पसंद है, तो हम भी थोड़ा सा मैसेज करके लिखते हैं कभी जब ये वीडियो के बल्ले बल्ले सटायर मतलब नॉर्मल थी, तो ये थोड़ी सटायर है और कॉमेडी है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेम टीम हम रिपीट करेंगे और अभी ये जो टीम है आपको बहुत लंबे सालों तक दिखेगी। योगेश जी भी एक हिस्सा है, योगेश जी तो हर एक में हम सपोर्ट करते ही है, और हाल ही में उन्होंने बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर 1 रुपए में 5-स्टार हॉस्पिटल खोला है कांदी गली में। तो उल्टे का ये बच्चे क्या कुछ कहना चाहेंगे योगेश जी? मेरे तो सर के साथ एसोसिएशन है आउटडोर की, आगे स्क्रीन रखना, बढ़ाना, फिल्म को एक्सपांड करना उनका हाथ में, और मेरा पार्ट है पब्लिसिटी से उसको बड़ा बनाना। उल्टा हो चाहे सीधा सबको बड़ा करना। यस।